तो गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे लाडली बहना आवास योजना की जो लिस्ट जारी होगी वो हम कैसे देख पाएंगे। तो आज की इस वीडियो पे हम यही देखेंगे कि कैसे हम लाडली बहना आवास योजना की लिस्ट अपने मोबाइल से चेक कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल पे क्रोम ओपन करिएगा। मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको सर्च करना है RH रिपोर्टिंग। ओके, जैसे यहाँ पे सर्च कर लिया मैंने और इसे सर्च करना है RH रिपोर्टिंग। तो जैसे ही आप RH रिपोर्टिंग सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक्चुअल ट्रांजेक्शन समरी की लिंक आएगी, उसे फर्स्ट नंबर लिंक को आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, और जैसे हम ओपन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह की साइट खुल के दिखेगी जहाँ पे हमें होम पे जाना है। यहाँ होम पे क्लिक करना है और होम पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का पेज खुल के आएगा और हमें यहाँ पे आवास सॉफ्ट पे जाना है और आवास सॉफ्ट पे जाने के बाद रिपोर्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, जब हम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे बेनिफिशियरी, जैसे ये ऑप्शन दिख रहा ना EFMS रिपोर्ट, ओके, तो यहाँ पे लिखा है बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड अकाउंट फ्रोजन एंड वेरीफाइड। ओके, देन यहाँ पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हमें उस लिस्ट को देखना है। ठीक है, तो लिस्ट को देखने के लिए हमें सबसे पहले अपना ये, जैसे अभी क्या लगा है, कौन सा वो चल रहा है, सब चल रहा है 2324 का चल रहा है, तो इस पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें कौन सी योजना का जो देखना है, कौन सी योजना है, तो हमारा लाडली बहना आवास योजना का है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। ठीक है, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टेट मध्य प्रदेश के लिए है ये, तो मध्य प्रदेश डालेंगे और यहाँ पे हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी होगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ये डाल लेते हैं अपना क्या बोलते हैं एरिया, और यहाँ पे हम अपना विलेज डाल लेंगे। ठीक है, तो ये डालने के बाद हमें कैप्चा फिल करना है 69 -50। ओके, देन हमें ये फिलअप करने के बाद सबमिट करना है। ठीक, और जैसे हम सबमिट करेंगे तो अभी यहाँ पे डेटा शो कर रहा है कि डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी जो भी लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म्स हैं वो अभी सबमिट नहीं हुए हैं, यानी कि ऑनलाइन फीड नहीं हुए हैं। उनका वेरिफिकेशन होने के बाद जब यहाँ पे फीड होंगे तब हमें वो सारे के सारे जो डेटाज होंगे वो सारे के सारे डेटा हमें यहाँ पे शो होंगे, जिससे हम चेक कर पाएंगे कि क्या वास्तव में हमारा नाम लाडली बहना आवास योजना में सम्मिलित हुआ है या नहीं। तो गाइस ये रहा लाडली बहना आवास योजना का लिस्ट देखने का तरीका, होप यू अंडरस्टैंड। आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।